इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे माइनक्राफ्ट हार्डकोर में 100 डे सॉल्व करने की, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। हम दोनों ओशन के बीचों बीच एक राफ्ट में फंस चुके हैं और हमारे पास सर्वाइव करने के लिए कुछ भी नहीं है, खाना भी नहीं। तो हमारा टारगेट होगा 100 डेज तक सर्वाइव करना और इस छोटी सी राफ्ट को एक मेगा बीच में ट्रांसफॉर्म करना। इस वीडियो को बनाते हुए हमें काफी ज्यादा टाइम लगा है, तो हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना। लेट्स एम फॉर 50,000 लाइक्स। इस राफ्ट के ऊपर दो बैरल लगे हुए थे जिनके अंदर हमें थोड़ा बहुत सामान मिला, जैसे डर्ट, कैल्प, फिशिंग रॉड और ट्री सैपलिंग्स। तो डर्ट को राफ्ट के साथ प्लेस करके मैंने उसके ऊपर ट्री सैपलिंग्स को लगाया। इसी के साथ पानी में काफी सारा सामान भी गिरा हुआ था, तो मैंने उसे कलेक्ट किया। फिर मैंने अपने लिए एक वुडन एक्स बनाई और उसके बाद खाने के लिए काफी सारी मछलियों को मारा। ट्रीज ग्रो होने में थोड़ा टाइम लगने वाला था और हमें बेस एक्सपेंड करने के लिए थोड़ा मटेरियल भी चाहिए था। उसके बाद मैं पानी के नीचे जाकर उस जगह को देखने लगा और नीचे जाते ही मुझे काफी सारे ड्रोनस मिल गए। राफ्ट के नीचे एक और बैरल था जिसके अंदर थी काफी सारी ट्री सैपलिंग्स और दो डर्ट ब्लॉक्स। सैपलिंग लेकर मैं ऊपर आया और जल्दी से उन्हें डर्ट पर लगा दिया। जल्दी एक पेड़ भी ग्रो हो गया, तो उससे मैंने बेसिक टूल्स बनाए और फिर मैं पानी के नीचे कॉबलस्टोन ढूंढने लगा। लेकिन कॉबलस्टोन की जगह मुझे त्रिशूल वाला ज़ॉम्बी मिल गया, तो जान बचाकर मुझे वापस घर आना पड़ा। लेकिन वो हमारी राफ्ट के काफी नजदीक आ गया था, तो हमें एक पेड़ के ऊपर जाना पड़ा। कॉबलस्टोन के लिए हमें अंडर वाटर माइन करना था, तो हमने थोड़ी सी वुड इकट्ठा की और उसे दरवाजे बनाए ताकि हम पानी के नीचे सांस ले सके। तो हम पानी के अंदर जाकर माइन करने लगे। माइन करते करते हम एक अंडरग्राउंड रवीन के अंदर पहुंचे और वहां पर हमें काफी सारे कोल के साथ काफी सारा आयरन भी मिला। फिर हम वापस बेस में आए और मैंने अपने लिए स्टोन टूल्स बनाए। इसके साथ हमने बेस को थोड़ा बहुत एक्सपेंड भी किया। राफ्ट के काफी नजदीक ही मुझे एक संकन शिप मिली और उसके अंदर मुझे आयरन और थोड़ा बहुत लैपिस मिला। उसके बाद मुझे फिर से मछुआरा बनना पड़ा क्योंकि हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मछली मारने के बाद मैंने अपने लिए एक आयरन हेलमेट और एक आयरन चेस्ट प्लेट बनाई। इसके साथ बैरल में हमें एक बुक भी मिली थी जिसके अंदर एक लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे, लेकिन अभी हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो हम इस लोकेशन पर थोड़ी देर बाद जाएंगे। उसके बाद मैंने गन्ने और बैम्बू को भी फार्म कर लिया और पता नहीं क्यों पर अभी तक ट्री ग्रो नहीं हुए थे और मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो इसलिए मैंने काफी देर तक फिशिंग की और बहुत सारी मछलियां पकड़ी। रात के टाइम फाइनली ट्री ग्रो हो ही गया, तो वुड काट कर मैंने सबसे पहले एक शील्ड बनाई और उसके बाद आयरन से टूल्स बनाए। हमारे पास काफी कम डर्ट था और ट्रीज के लिए हमें और डर्ट चाहिए था, तो मैं एक बार फिर से पानी के नीचे गया और डर्ट ढूंढने लगा। थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद मुझे एक जगह दिखी, तो मैं उस जगह के नजदीक गया और वहाँ पर एक चेस्ट थी जिसके अंदर मुझे सिर्फ कचरा मिला, लेकिन लकीली उसी जगह के साथ मुझे डर्ट दिख ही गया। तो मैंने डर्ट के साथ ही वहाँ से काफी सारा सैंड भी इकट्ठा कर दिया। फिर मैं वापस बेस में आया और डर्ट लगाकर वहाँ पर काफी सारे पेड़ लगाए। हम एक काफी बड़ा बेस बिल्ड करने वाले थे, तो उसके लिए हमें बहुत सारी वुड चाहिए थी और मटेरियल के लिए हमारा मेन सोर्स वुड ही था। और तभी मुझे ध्यान आया हम डर्ट और ग्रेवल मिक्स करके एक्स्ट्रा डर्ट भी बना सकते थे जिसे कहते हैं कोरस डर्ट। तो मैंने नीचे जाकर काफी सारा ग्रेवल इकट्ठा किया और ऊपर आकर ग्रेवल और डर्ट से कोरस डर्ट नहीं बनाई, डर्ट और ग्रेवल मिक्स करने की जगह मैं खुद के ही आविष्कार कर रहा था। मैं मिक्स कर रहा था ग्रेवल और सैंड को, पता नहीं मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा था। मैंने कोरस डर्ट बनाने की रेसिपी भी देखी, लेकिन उसके बाद भी मैं डर्ट और ग्रेवल की जगह सैंड और डर्ट ही मिक्स कर रहा था। आई डोंट थिंक ये गेम मेरे लायक है। लेकिन इसके अलावा मैंने आयरन से चेस्ट प्लेट बनाई, लेकिन ये मुझे उसकी रेसिपी याद थी। और उसके बाद मैंने काफी देर तक माइनिंग करके ढेर सारा सामान इकट्ठा किया और अब मेरे पास ऑलमोस्ट एक स्टैक आयरन हो गया था। और उसके बाद मैंने मॉब फार्म बनाना शुरू किया। इस वर्ल्ड में मॉब फार्म बनाना काफी इम्पोर्टेंट था क्योंकि हमें अपनी जरूरत का सारा सामान इसी फार्म से मिलने वाला था, जैसे बैग के लिए स्ट्रिंग्स और फसल और पेड़ ग्रो करने के लिए बोन मील। बनाते मेरा सारा मटेरियल खत्म हो गया, तो मुझे एक बार फिर से माइनिंग के लिए जाना पड़ा और इस बार मुझे माइन करते हुए डायमंड्स भी मिल गए। उसके बाद भी मैंने माइनिंग कंटिन्यू रखी और मैं पहुंचा एक माइन शॉप के अंदर जिसका मतलब था कि मुझे यहाँ से काफी सारी लूट के साथ बैग बनाने के लिए काफी सारी स्ट्रिंग्स भी मिल जाएगी। काफी देर तक मैंने उसी जगह को एक्सप्लोर किया और उसके बाद वापस घर आकर मैंने फिर से मॉब फार्म बनाना शुरू किया। मेहनत के बाद मॉब फार्म कंप्लीट हो गया और वो काफी एफिशिएंट तरीके से काम कर रहा था। और इसके साथ ही मैंने माइन शॉप से लाई हुई स्ट्रिंग से एक बैग भी बना दिया। उसके बाद मैंने काफी देर तक लकड़ी इकट्ठा की और साथ में बैम्बू को भी फार्म किया। और मॉब फार्म पर एएफके करते करते हमारे मॉब फार्म के अंदर एक चिकन स्पॉन हुआ जिसके ऊपर एक बेबी ज़ॉम्बी बैठा हुआ था, तो उसे हमने मॉब फार्म से बाहर निकाला और बेबी ज़ॉम्बी को मारने के बाद अब हमारे पास फाइनली एक चिकन था। लेकिन उसे ब्रीड करवाने के लिए हमारे पास चिकन ही नहीं थे, तो हमें उसे खुला ही छोड़ना पड़ा। उसके बाद मैंने काफी देर तक मॉब फार्म के ऊपर एएफके किया और साथ ही काफी सारी लकड़ी भी इकट्ठा की। और उसके थोड़ी देर बाद मॉब फार्म से हमें गाजर भी मिल गई और साथ ही मॉब फार्म से मुझे बो और एरो भी मिल गए। इसके साथ हमारे पास काफी सारी वुड भी हो गई थी, तो मैंने भी इसके लिए एक आउटलाइन बनाना शुरू किया। और इसी बीच मुझे एक और चीज याद आई,
हमारे पास तो ग्रास ब्लॉक्स भी थे, लेकिन पता नहीं वो कहाँ पर चले गए। लेकिन डरो मत, उससे हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ हम जानवर स्पॉन नहीं कर सकते और सीज भी इकट्ठा नहीं कर सकते, मतलब हम भूखे ही मर जाएंगे। और ये काम उतना ज्यादा आसान नहीं था जितना मैं सोच रहा था। तो सिर्फ आउटलाइन लगाते लगाते ही मुझे बहुत सारा टाइम लग गया। अगले दिन तक मैंने आउटलाइन को कंप्लीट कर दिया और अब बारी थी उस आउटलाइन को फिल करने की। और उस पूरी जगह को उससे फिल करने के बाद अब हमारे पास ढेर सारा एरिया हो गया था। और इसके साथ ही दूसरा बेड बनाने के लिए हमारे पास स्ट्रिंग्स भी इकट्ठा हो गई। और फाइनली डे 18 पर हमने अपना दूसरा बेड भी बना लिया, और जिसमें कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया, पर अब हम दोनों शांति से सो सकते थे। लेकिन अभी भी बेस को एक्सपेंड करने का काम खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि हम इसे और भी एक्सपेंड करने वाले थे। अब पता नहीं इसे फिल भी कर पाएंगे या नहीं। तो मैंने अपने बेस के एक साइड को थोड़ा और एक्सपेंड किया, और अपने बेस के चारों तरफ हम ऐसे कप सारे रिंग्स बनाने वाले थे जिनके ऊपर हम बनाएंगे बहुत सारी चीजें। नेक्स्ट डे मैंने गेम खेलने के लिए वर्ल्ड ज्वाइन किया और मेरे साथ काफी अजीब चीज हुई। अब मैं प्ले नहीं था गाइस, मैं बन चुका था एलेक्स, और मेरे पास कुछ भी नहीं था, एक्सपीरियंस भी नहीं। तो मैंने गेम क्विट की और दोबारा ज्वाइन किया, लेकिन अभी भी मैं एलेक्स ही था। तो मैंने एक और बार गेम क्विट की और फिर से ज्वाइन की, लेकिन एक बार फिर से मैं एलेक्स ही था। पहले तो मुझे लगा कि मुझे वापस सब कुछ बनाना पड़ेगा, लेकिन मैंने एक आखिरी बार ट्राई करने का सोचा और भगवान का नाम लेकर फिर से ज्वाइन किया। और इस बार फाइनली मैं फ्लेम बन ही गया, और मेरी सारी आइटम्स भी एक्सपीरियंस के साथ वापस आ गई। पता नहीं गेम ने क्या नशे कर रखे थे। तो पहले रिंग पर मैंने बनाया खेत, जिसके ऊपर मैंने लगाई ढेर सारी गाजर जो कि हमें मॉब फार्म से मिली थी। मैंने दूसरी साइड एक रिंग बनाना शुरू किया। देखने में काम काफी इजी लग रहा होगा, लेकिन ये काम उतना आसान नहीं था, क्योंकि रिंग बनाने के लिए मुझे काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। जैसे जैसे उस रिंग को कम्प्लीट करने के बाद मैंने उसके ऊपर एक ट्री फार्म बनाया, लेकिन अभी भी दो और साइड रिंग बनाना बचा था। और अब मुझे पता लग रहा था कि मैंने प्रो बिल्डर बनके कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि इस काम में कुछ ज्यादा ही टाइम लगने वाला था। चारों रिंग्स बनके कंप्लीट हो गए थे, लेकिन अभी भी ये बेस थोड़ा खाली खाली लग रहा था। तो हमने उन चारों रिंग्स के ऊपर दो और रिंग्स बनाने का सोचा, और ये काम करते करते हमारी हालत पतली हो गई। फिर मैंने बेस से माइन में जाने के लिए एक रास्ता बनाया, और माइन में जाकर काफी देर तक ओर्स इकट्ठा किए, और मुझे माइन में काफी सारे डायमंड्स भी मिले। इसी बीच मैंने डायमंड से पिकेक्स भी बनाई और उससे काफी सारा ऑब्सीडियन माइन किया, जिससे कि हम बनाएंगे नेदर पोर्टल। फिर मैं वापस बेस में आया, उसके बाद हमने काफी देर तक बेस को बिल्ड किया। काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली बेस रेडी हो ही गया। हमें जानवर और खाने के लिए ग्रास ब्लॉक की काफी जरूरत थी, लेकिन हम पहले ग्रास ब्लॉक बर्बाद कर चुके थे। लेकिन ग्रास ब्लॉक हमें एक और तरीके से मिल सकता था, जो था सिल्क टच से। तो मैंने एक एंजेंटिंग टेबल बनाने का सोचा, लेकिन बुक के लिए हमारे पास लैडर ही नहीं था और हम सारी उम्मीदें छोड़ चुके थे। लेकिन तभी हमें वो प्यारी आवाज सुनाई दी, हमारी हेल्प करने के लिए ट्रेडर भैया आए थे। तो लैडर के लिए हमने उनके लामा को मार दिया और उन्हें भी मार दिया, क्योंकि लामा से हमें लैडर मिल सकता था और ट्रेडर भाई से तो वैसे कुछ भी नहीं मिलने वाला था। उसके बाद मैंने फाइनली एंचेंटिंग टेबल बनाया और उससे हमें सिल्क टच नहीं मिली, मतलब बेचारा लामा ऐसे ही मर गया। काफी ज्यादा मजदूरी करने के बाद हमने सभी रिंग्स को पूरा कर लिया था, और अब हमारा बेस काफी ज्यादा बड़ा लग रहा था। लेकिन 30 दिन होने के बाद भी हमारे पास एक घर भी नहीं था, लेकिन हमें स्टार्टिंग में एक बुक मिली थी जिसके अंदर किसी जगह के कोऑर्डिनेट्स थे, और साथ में उसमें कुछ और भी लिखा हुआ था, जो था हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दो। और हमने सोचा क्या पता हमें वहाँ से कोई काम की चीज मिल जाए। तो हमने एक बोर्ड बनाई और उस किताब में लिखे हुए कोऑर्डिनेट्स पर जाने लगे, और शायद भगवान ने हमारी सुन ली, क्योंकि थोड़ी आगे जाकर हमें काइलैंड मिला जहाँ पर बहुत ही सारे ग्रास ब्लॉक्स थे। लेकिन अफसोस हमारे पास फिल्टर्स नहीं थी। काफी देर के बाद हम फाइनली उस जगह पर पहुंच ही गए, लेकिन काफी ज्यादा सर्च करने के बाद भी हमें वहाँ पर कुछ नहीं मिला। पहले मैंने लगा कि शायद हमारे साथ प्रैंक हो गया है, लेकिन फिर मैंने नीचे की तरफ माइन करने का सोचा, और नीचे की तरफ माइन करके मुझे एक एंड पोर्टल मिल गया जिसमें पहले से ही 4 आज लगी हुई थी, लेकिन उसे एक्टिवेट करने के लिए हमें 8 आज और चाहिए थी, जिसका मतलब था कि हमें जाना होगा नेदर में। और क्योंकि ऑब्सीडियन से हमने एंचेंटिंग टेबल बना दिया था, तो वहाँ के लावा को मैंने ऑब्सीडियन बनाया और नेदर पोर्टल के लिए इकट्ठा कर दिया। तो हम उस जगह से बाहर आए
और वापस घर की तरफ चले गए। रास्ते में हमें एक रोन पोर्टल भी मिला जहाँ पर हमें मिले दो गोल्ड ब्लॉक्स और वहाँ पर एक चेस्ट भी थी जिसमें सिर्फ फ्लिंट एंड स्टील काम की चीज थी। रास्ते में हमें फिर से एक छोटा सा आइलैंड दिखा जिसके ऊपर कुछ घास लगा हुआ था और तभी हमें याद आया कि घास से हमें सीड भी मिलते हैं। लकी हमारे पास थोड़ा बोन मिल भी था तो उस आइलैंड पर जाकर हमने मकड़ियों को मारा और बोन मिल का यूज करके काफी सारे सीड इकट्ठा किए और उस आइलैंड के साथ ही काफी सारा सैंड भी था तो हमने थोड़ा बहुत सैंड भी इकट्ठा कर दिया। अब हमारे पास सीड भी हो गए थे जिसका मतलब था कि अब हम फाइनली चिकन भाई को थोड़ा खाना खिला पाएंगे। लेकिन घर आकर हमें पता चला कि चिकन भाई भुखमरी के कारण मर गए हैं। अब बारी थी नेदर के अंदर जाने की तो उसके लिए हमने एक नेदर पोर्टल बनाया और फिर हम गए नेदर के अंदर और हम स्पॉन हुए क्रिम्सन फॉरेस्ट के अंदर। लेकिन इस बार हम सोल सैंड वैली के अंदर स्पॉन नहीं हुए। फिर हमें आगे जाकर काफी सारे फॉसिल मिले तो हमने बोन मील के लिए उन सभी को कलेक्ट कर लिया। लेकिन हम नेदर में दो आइटम्स के लिए आए थे, पहली एंडर आए और दूसरा ब्लेज पाउडर ताकि हम उससे आया फेंडर बना सके। तो हमें ढूंढना था वॉक फॉरेस्ट और फोर्ट्रेस को तो हमने फैसला किया अलग अलग जाने का ताकि हम जल्दी से जल्दी काम पूरा कर सके। थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद मुझे पॉप फॉरेस्ट मिल भी गया तो मैंने काफी देर तक वहाँ पर एंडरमैन मारे और आइज इकट्ठा की। लेकिन हमारा मेन टारगेट था एक फोर्ट्रेस को ढूंढना और उसके लिए हमें काफी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे ही सोरो की पूरी फैमिली ने मुझ पर हमला कर दिया था मुझे लग रहा था कि मैं नहीं बचूंगा पर मेरे ऊपर शायद बाबा राम रहीम जी का आशीर्वाद था। जैसे तैसे उनसे बचने के बाद मुझे दूरी एक फोर्ट्रेस दिखाई दी। फोर्ट्रेस के अंदर जाकर मेरा सामना हुआ ढेर सारे मॉब से। इसके साथ ही मुझे वहाँ पर थोड़ी बहुत लूट भी मिली। मैंने वहाँ से नेदर वॉर्ड भी उठा लिया और फिर मुझे मिला एक ब्लेज स्पॉनर और जैसे कि तुम सभी को पता ही कि मैं कितना ज्यादा प्रो हूँ तो मैंने इजीली ब्लेज रॉड को इफेक्ट नहीं किया। उन्होंने मेरी लंका लगा दी पर एटलीस्ट मैं जिंदा बच गया। अब मेरे पास काफी सारी ब्लेज रॉड हो गई थी तो अब टाइम था घर वापस आने का। आज इकट्ठा करने के बाद मैं फोर्ट्रेस ढूंढने लगा लेकिन रास्ते में मुझे काफी सारे मैग्मा ब्लॉक्स मिल गए और इन ब्लॉक्स का यूज हम बिल्ड में भी कर सकते थे तो मैंने वहाँ से काफी सारे ब्लॉक्स इकट्ठा कर दिए और इसी बीच पार्क को फोर्ट्रेस भी मिल गई तो अब हमारा काम ऑलमोस्ट पूरा हो गया था तो मैं वापस घर जाने लगा। लेकिन अब मैं घर जाने का रास्ता भूल गया। काफी देर तक मैं सिर्फ नेदर में भटकता रहा और उतनी देर में स्पार्क ब्लेज रॉड इकट्ठा करके वापस घर भी आ गया लेकिन उसने मुझे पोर्टल के कोऑर्डिनेट्स बता दिए तो मैं वापस कोऑर्डिनेट्स के पास जाने लगा। लेकिन इसी बीच मेरा सारा खाना खत्म हो गया और फिर मेरी पिकेक्स भी टूट गई और थोड़ी आगे जाकर ही मेरे ब्लॉक्स भी खत्म हो गए और साथ ही मेरी हंगर बार भी ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी जिसका मतलब था कि मैं बहुत ही स्लो चल रहा था और पोर्टल के पास जाने के लिए मुझे लावा लेक क्रॉस करनी थी तो मैंने जितने भी मैग्मा ब्लॉक्स माइन किए थे उन सभी को लेक क्रॉस करने में लगा दिया। और अगर इतना दुख भी काफी नहीं था तो मैंने जो बोन ब्लॉक्स माइन किए थे वो भी रास्ते में लग गए मतलब मैं घर वापस खाली हाथ जा रहा था। बट एटलीस्ट मेरे पास आइस तो थी और फाइनली गिरते पड़ते मैं पोर्टल के पास जिंदा पहुंच ही गया। वापस आकर मैंने थोड़ी गाजर फार्म की और डायमंड से एक स्वॉर्ड बनाई और फिर हम गए एंड पोर्टल की तरफ। फिर पोर्टल एक्टिवेट करने के बाद हमारे सामने हुआ अपने पुराने दोस्त एंडी ड्रैगन से जिसे हमने काफी इजीली पेल दिया। उसके बाद हम गए एंड सिटी की तलाश पर। काफी घंटों तक ट्रैवल करने के बाद मुझे एक रिटर्न पोर्टल दिखा और जब मैं उस रिटर्न पोर्टल के पास गया मुझे उसके सामने एक एंड सिटी मिल गई और इस सिटी के नजदीक जाने पर अब मुझे वहाँ पर एक और रिटर्न पोर्टल मिल गया। फिर मैं उस सिटी के अंदर गया और सभी शल्करों ने मिलकर मेरा वॉलीबॉल बना दिया। शल्कर भैया ने मिलकर मुझे इतना ज्यादा मारा कि मैं वहाँ से बस थोड़ी बहुत चीज इकट्ठा कर पाया। लेकिन जैसे जैसे मैंने एंड शिप को लूट ही लिया और मुझे एक लाइटर भी मिल गया उस सिटी से मुझे ज्यादा सामान नहीं मिला लेकिन मुझे वहाँ से एक काम की चीज मिल गई और वो थी सिल्क टच वाली पिकैक्स। लेकिन वो एक आयरन पिकैक्स थी और उसके ऊपर अनब्रेकिंग भी नहीं थी लेकिन चलो कुछ तो मिला। उसके बाद मैंने एंड सिटी से काफी सारे ब्लॉक्स इकट्ठा किए जिन्हें हम अपने बेस पर किसी बिल्ड में यूज करेंगे। इस बार मेरी किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी थी क्योंकि सिर्फ 200 ब्लॉक्स दूर ही मुझे एंड सिटी मिल भी गई और वहाँ पर एक शिप भी था तो सिटी के अंदर जाकर मैंने सबसे पहले ब्लॉक्स इकट्ठा किए क्योंकि इन ब्लॉक्स का यूज हम बिल्ड में करने वाले थे। काफी देर तक ब्लॉक्स इकट्ठा करने के बाद मैं सिटी लूटने के लिए गया। सिटी को लूटते हुए मुझे काफी टाइम लग गया लेकिन वहाँ से मुझे कुछ ज्यादा ही अधिक लूट मिली जैसे काफी सारे डायमंड्स आर्मर वेपन्स। लेकिन इन सभी चीजों के अलावा मुझे जो बेस्ट चीज मिली वो थी सिल्क टच वाला डायमंड शवल जिससे कि हम फाइनली ग्रास ब्लॉक इकट्ठा कर सकते हैं और इसके साथ ही मेरा डायमंड आर्मर भी कम्प्लीट हो गया। सिटी से बाहर आकर मैंने काफी देर तक ब्लॉक्स इकट्ठा किए। ब्लॉक्स इकट्ठा करने के बाद मैं एंड फाउंटेन ढूंढने लगा ताकि मैं वापस घर आ सकूं लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी मुझे एंड फाउंटेन मिल ही नहीं रहा था। पता नहीं मुझे बार बार घर जाने के लिए रास्ता क्यों नहीं मिल रहा और आधे घंटे तक सिर्फ एंड में घूमने के बाद मुझे फाइनली एंड फाउंटेन मिल ही गया। सारा सामान इकट्ठा करने के बाद मैं वापस घर आया और हमारा बेस अब एक मॉब फार्म बन गया था क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ बहुत सारे मॉब स्पॉन हो गए थे। लेकिन अगले दिन मैंने उस सभी मॉब्स को मार दिया। इतनी ज्यादा प्रोग्रेस करने के बाद भी हमारे पास एक घर ही नहीं था तो मैंने घर के लिए काफी सारा सामान इकट्ठा किया
और उसके बाद मैंने घर बनाना शुरू किया। उस घर के ऊपर मैंने काफी दिन काम किया और मैं इस घर को बहुत ही एपिक बनाने वाला था। लेकिन ये घर एपिक तो नहीं, पर उस घर को दिखने लायक बनाने के लिए मुझे उसमें काफी सारे चेंजेस करने पड़े और एंड में वो घर ठीक ठाक बन गया। जैसा मैं इसे बनाने वाला था वैसे तो नहीं बना, लेकिन छोटा हो या बड़ा अपना घर तो अपना ही होता है। घर आकर मैं सबसे पहले सायरन के पास गया और वहाँ जाकर काफी सारे ग्रास ब्लॉक्स और सैंड इकट्ठा किया। ग्रास को डाल करके हम इसका यूज बिल्ड में कर सकते थे, तो मैंने काफी सारे डर्ट ब्लॉक्स प्लेस किए और बोन मिल का यूज करके काफी सारे फूल इकट्ठा किए जिनका यूज हम करेंगे ग्लास को डाई करने के लिए। काफी देर तक मैं इसी काम को करता रहा। रेड फ्लावर से मैंने काफी सारा रेड डाई बनाया और उसका यूज करके फाइनली ग्लास को डाई किया। हमारे पास काफी सारा डर्ट था तो मैंने सारे डर्ट को ग्रास ब्लॉक के साथ लगा दिया ताकि उन ब्लॉक्स के ऊपर भी ग्रास डाल सके। काफी देर तक वेट करने के बाद फाइनली सभी ब्लॉक्स पर ग्रास फैल चुका था, तो मैंने उन सभी ब्लॉक्स को रिमूव कर दिया और अब टाइम था बिल्ड करने का। और क्योंकि मॉब फार्म हमारे बेस के बिल्कुल सेंटर में था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसे ट्री में ट्रांसफॉर्म कर दूं, क्योंकि वो बिल्कुल सेंटर में है तो वो देखने में सिंपल मॉब फार्म के कंपैरिजन में काफी अच्छा लगेगा। लेकिन क्योंकि मॉब फार्म बहुत ज्यादा बड़ा है तो उसे ट्रांसफॉर्म करने के लिए काफी सारा मटेरियल लगने वाला था, तो मैंने काफी देर तक सारा सामान इकट्ठा किया। बहुत ही ज्यादा खाली लग रही थी क्योंकि हमारे नेदर पोर्टल का साइज बहुत ही ज्यादा छोटा था। तो अगले दिन मैंने माइन में जाकर ढेर सारा ऑब्सिडियन इकट्ठा किया। अगले दिन मैंने पोर्टल बनाना शुरू किया। इस पोर्टल को मैं काफी बड़ा बनाने वाला था और साथ ही इसे फ्लोटिंग इफेक्ट देने वाला था, तो इस पोर्टल को बनाते हुए मुझे काफी ज्यादा टाइम लग गया। काफी ज्यादा मेहनत के बाद पोर्टल कम्प्लीट हो गया और ये देखने में काफी सुंदर लग रहा था। अब नेदर की थीम पूरी कम्प्लीट हो गई थी, तो अब बारी थी मशरूम की। लेकिन मशरूम को ग्रो करना थोड़ा मुश्किल वाला काम था क्योंकि उसे ग्रो करने से पहले हमें उसे सभी साइड से ढकना पड़ता है, तो इतने सारे मशरूम को ग्रो करने के लिए मुझे बहुत सारा टाइम लग गया। पूरी प्लेट को मशरूम से भरने के बाद भी अभी भी उसमें थोड़ी कमी लग रही थी क्योंकि मशरूम की हाइट बहुत ही ज्यादा छोटी थी। लेकिन मेरे पास इसका भी लास्ट था। मैंने उन सभी मशरूम के ऊपर एक एक और मशरूम लगाने का सोचा और पूरा काम कंप्लीट करने के बाद अब वो पहले से बहुत ही ज्यादा बेटर लग रहा था। हमारे पास काफी सारा बैम्बू भी पड़ा था और अब हमारे पास काफी सारी डर्ट भी थी, तो मैंने एक प्लेट पर बहुत सारे बैम्बूज लगा दिए। उसके बाद मैंने अपने गाजर के खेत में थोड़ा बहुत चेंज किया और उसे थोड़ा और बड़ा बनाया और इस बार मैंने उसमें गाजर की जगह वीट फार्म की। उसके थोड़ी देर बाद ही मुझे मॉब फार्म से ज़ॉम्बी विलेजर की आवाज आई और जी हाँ, हमारे मॉब फार्म पर फाइनली एक ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हुआ था। तो सभी मॉब्स को मारकर हमने उसे बाहर निकाला और फिर उसे बोट में बिठाकर फार्म के साथ रख दिया। अगले दिन मैंने बची हुई डर्ट से बैम्बू फार्म को थोड़ा और बड़ा कर दिया और अब हमारा बेस काफी ज्यादा बड़ा लग रहा था। लेकिन अभी भी काफी सारी प्लेट्स को भरना बच गया था और अभी तक एंड से लाया हुआ सामान बचा हुआ था, तो हमने घर के साथ एक एंड सिटी बनाने का सोचा और मैंने उस पर काम शुरू किया। पूरा हो गया था, लेकिन उसके ऊपर काफी सारे मॉब्स स्पॉन हो सकते थे और टॉर्च से उसका लुक खराब हो जाता, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसके ऊपर श्रूम लाइट लगाऊं, क्योंकि नेदर में हमारा स्पॉन भी क्रिम्सन फॉरेस्ट है तो उसे कलेक्ट करते हुए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैं गया नेदर में और काफी देर तक श्रूम लाइट इकट्ठा की और फिर वापस घर आकर बिल्ड कंटिन्यू की। फाइनली हमारा ट्री कंप्लीट हो गया जो कि दिखने में पहले से काफी अच्छा लग रहा था। ट्री तो पूरा कंप्लीट हो गया था लेकिन उसके आसपास का एरिया बिल्कुल खाली था, तो मैंने वहाँ पर एक छोटा सा विलेज बनाने का सोचा। लेकिन मेरे पास पूरा कोबलस्टोन खत्म हो गया था, तो मैं माइन में जाकर कोबलस्टोन इकट्ठा करने लग गया और मुझे वहाँ पर जाकर चमकीले पत्थर वाली जगह मिल गई। और क्योंकि चमकीले पत्थर देखने में काफी सुंदर होते हैं तो मैंने उन्हें भी माइन कर दिया और ऊपर आकर उन्हें स्पार्क के पास दे दिया। फिर मैंने विलेज बिल्ड करना शुरू किया।
एनसीटी कंप्लीट हो गई और इस एनसीटी को देखकर लग रहा था कि ये किसी प्रो बिल्डर ने बनाई है। छप्पर मार दूं। एनसीटी कंप्लीट हो गई थी लेकिन अभी भी उसमें ग्लास लगाना बच गया था और हमारे पास सारा सैंड खत्म हो गया था, तो मैं गया सैंड इकट्ठा करने। थोड़ी देर में ही मुझे काइलन मिल भी गया, तो मैंने वहाँ से काफी सारा सैंड इकट्ठा किया। ग्लास बनाने के लिए मैंने सैंड इकट्ठा कर दिया था लेकिन एनसीटी के लिए चाहिए था पर्पल डाई और उसे बनाने के लिए लगता है रेड और ब्लू डाई। लेकिन हमारे पास दोनों डाई थे तो मैंने पर्पल डाई बनाया और फिर पर्पल डाई से पर्पल ग्लास बनाया। फिर मैंने ग्लास को विंडोज में प्लेस किया और फाइनली हमारी एनसीटी पूरी कंप्लीट हो गई। रेड और ब्लू पेड़ों के नीचे नेदरएक ब्लॉक्स दिख रहे थे जो कि बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग लग रहे थे, तो अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं पूरी प्लेट में नेदरएक ब्लॉक प्लेस कर दूं या फिर अपना मास्टर प्लान यूज करूं। तो मैंने अपना मास्टर प्लान यूज किया जो था ब्लॉक्स के ऊपर पानी लगाना, जो कि देखने में उतना बुरा भी नहीं लग रहा था और इसमें मेरा काफी टाइम भी बच गया। तो मैंने मशरूम और ब्लू पेड़ों वाली प्लेट पर सेम टेक्निक यूज की और ये टेक्निक मेरी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही अच्छे से काम कर गई। बिल्ड करते टाइम बीच में पिलेजर स्पॉन हो गए, वैसे तो मैं उन्हें मारने वाला था लेकिन उन्हें देखकर मुझे एक आइडिया आया, क्यों ना हम अपने बेस में एक पिलेजर आउटपोस्ट बनाएं। तो मैंने उन सभी को बोट में बिठा दिया, इन्हें हम बाद में पिलेजर आउटपोस्ट में कैद करेंगे। चीजें लगने वाली थी, एक कोबलस्टोन और दूसरी डार्क ओक वुड। कोबलस्टोन के लिए मैंने काफी देर तक माइनिंग की और लकीली डार्क ओक वुड हमारे पास पहले से पड़ी हुई थी, तो मैंने बोन मिल का यूज करके काफी देर तक वुड इकट्ठा की और फिर सारा सामान इकट्ठा होने के बाद पिलेजर आउटपोस्ट बनाना शुरू किया। पिलेजर आउटपोस्ट भी बनकर तैयार हो गया और इसे देखकर भी ऐसा लग रहा था कि ये भी किसी प्रो बिल्डर ने बनाई है। फाइनली विलेज का काम पूरा खत्म हो गया और देखने में वो जगह काफी सुंदर लग रही थी। अब सिर्फ दो जगह पर बिल्ड करना बाकी था, तो काफी सोचने के बाद हमने डिसाइड किया कि एक जगह पर हम बनाएंगे सोल सैंड वैली और दूसरी जगह पर हम बनाएंगे एमेथाइस ट्री। तो सोल सैंड वैली के ब्लॉक्स इकट्ठा करने के लिए मैं गया नेदर में। काफी देर तक ब्लॉक्स इकट्ठा करने के बाद मैं वापस आया और बिल्ड करना शुरू किया। हमारे पास काफी सारे एमेथाइस पड़ा हुआ था और इसके साथ ही हमें ओशन में बहुत ही सारे एमेथाइस जियोड मिले थे, तो एक शेल्टर बॉक्स बनाकर मैं गया नजदीक वाले जियोड के अंदर और वहां से मैंने ढेर सारे एमेथाइस इकट्ठा किया। तो सारा सामान इकट्ठा करने के बाद मैंने इस पर काम शुरू किया। ट्री बनकर कंप्लीट हो गया और वो देखने में काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी भी एक काम बच गया था जो था सोल सॉइल पर आग लगाना। तो मैंने चेस्ट से काफी सारा ग्रेवल लिया और उसे शवल का यूज करके फ्लिंट इकट्ठा करने लगा। काफी ज्यादा ब्लॉक्स ब्रेक करने के बाद भी मुझे फ्लिंट मिल ही नहीं रहा था। पहले मुझे लगा कि शायद गेम ने फिर से नशे कर दिया है, लेकिन फिर मुझे पता चला कि गेम ने नहीं, मैंने नशे कर रखे हैं, क्योंकि मैं भूल गया था कि मेरे शवल पर सिल्ट टच है और इतनी देर से मैं सिल्ट टच के साथ ही ब्लॉक्स ब्रेक कर रहा था। तो फाइनली मैंने एक फ्लिंट एंड शील्ड बनाया और बिल्ड का काम कंप्लीट किया और फिर मुझे याद आया कि मैंने काफी सारे ग्लास ब्लॉक्स भी डाई किए थे, लेकिन अब हमारे पास बिल्ड करने के लिए कुछ बचा नहीं था, तो ग्लास को मैंने बेस के चारों तरफ लगा दिया जो कि दिखने में ठीक ठाक लग रहा था। वैसे तो हमारा बेस काफी अच्छा लग रहा था लेकिन नेदर पोर्टल के पास बनाए हुए पिलर्स कुछ खास अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने काफी देर वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन बनाकर एक्सपेरिमेंट किए और काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद मैंने सब कुछ हटा दिया क्योंकि वहाँ पर स्पेस काफी कम था, तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब हमारा बेस ऑलमोस्ट पूरा हो गया था, तो एंड में हमने बेस के नीचे पानी लगाया ताकि वो जगह खाली न लगे और इसी के साथ फाइनली हमारा बेस कंप्लीट हो ही गया। इस बेस को कंप्लीट करने में हमें 100 दिन से थोड़े ज्यादा दिन लग गए, लेकिन ये अभी तक की हमारी सबसे बड़ी बिल्ड है। तो अगर तुमने इस वीडियो को एंजॉय किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना, और अगर तुम ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस।